ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पाइरूवेट एंड एटीपी सिंथेसिस। में इन्होंने बोला कि पीईपी से जो है H2O, पीईपी में जब H2O जोड़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो पाइरूवेट बना रहा है, पीआई बना रहा है, जिसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है। ये जो वैल्यू दी हुई है वो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, ये ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो द स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीईपी एडीपी पायरुवेट एटीपी वो आपको दी हुई है 25, 25, 50, 50 मिलीमोलर रिस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ आर दिया हुआ है 8.315 जूल पर मोल पर कैलविन। एंड एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज आपको पूछ रहा है, याद रहे एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पे पूछ रहा है ना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नहीं पूछ रहा है। ऊपर जो दिया गया है डेल्टा जी, वो क्या दिया गया है, वो डेल्टा जी नॉट दिया गया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दिया गया है। कैरीड आउट एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, ये जो प्रोसेस है वो कैरीड आउट हो रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो उन केसेस में जो है ये आपका कितना होगा, दो नंबर में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो है आपका आंसर है 28. -28.1 से लेके 20 -27.8 तक के रेंज में। सोल्यूशन किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, गिवन क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आपको गिवन है, गिवन क्या है, दूसरे रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट गिवन है। याद रहे दोनों रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट गिवन है, डेल्टा जी नहीं गिवन है, इसलिए डेल्टा जी को आप कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। डेल्टा जी आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास जब फॉर्मूला होगा तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTln के, ये जो है आपके लिए फॉर्मूला चलता है, राइट। डेल्टा जो आपके पास जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTln के, ये चीज चलने वाली है ना। तो अब यहाँ पे देखने की जरा सो कोशिश करते हैं कि ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए R की वैल्यू दी हुई है, यस दी हुई है या नहीं, बिल्कुल दी हुई है। द वैल्यू ऑफ R जरा सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें स्टार्टिंग कंसंट्रेशन भी दिए हुए हैं, पीईपी का 25 मिलीमोलर है, एडीपी पायरुवेट और एडीपी के कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली दिए गए। आर की वैल्यू 8.315 जो है जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पूछ रहा है, इसलिए जो रिएक्शन दिया गया इन्होंने पीपी प्लस एडीपी पायरुवेट वाली कहानी बोल रहे। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को जब आप देखेंगे, मद्देनजर रखेंगे, तो ये दोनों ही इक्वेशन का सम है। कई लोग क्या कहेंगे, सीधे सीधे जो है डेल्टा जी इसका और इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल के रख देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज की बात करी है ना। यहाँ पे इस पूरे में देखोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का सम नहीं पूछा, एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज पूछा, यही एक की पॉइंट है। इसके लिए आपको डेल्टा जी चाहिए, डेल्टा जी नॉट से जो है काम बनने वाला नहीं है। सो पहला इक्वेशन है आपके पास जो कि ये रहा, जरा देखिएगा द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो है ये रहा दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन के लिए आप K1 रखेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी पायरुवेट अपॉन पीपी, पायरुवेट अपॉन पीपी। पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 50 मिलीमोलर, पीपी का 25, यानी K1 इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए जो K1 की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 2। सिमिलर केस विल हैपन फॉर द K2 इस रिएक्शन के लिए, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो वैल्यू आ रही है K2 की वो आ रही है 2, ठीक है, ये दोनों चीज आपने देख ली। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, सो K1 K2 के बाद अब आप निकालेंगे डेल्टा G1, ठीक है ना। डेल्टा G1 निकालने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस दिए गए हैं, जरा समझिएगा। तो डेल्टा G1 के लिए जो है वो है डेल्टा जी नॉट प्लस RTln के, डेल्टा जी नॉट है प्लस RTln के। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है फॉर रिएक्शन वन ऊपर दिया गया है 61.9 किलो जूल पर मोल, वो किलो जूल पर मोल में, इसीलिए उसको हम रख रहे हैं, तो वो कितने में आ जा रहा है, 10 to power 3, 16.1 × 10 to power 3 जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है। प्लस आर टी, आर की वैल्यू 8.314 या 315,
टी की वैल्यू जो है वो आपके पास 310 310, क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू केल्विन में जब रखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, लेकिन केल्विन में 273 का एड ऑन करेंगे तो ये 3110 केल्विन जो है वो हो जाएगा। इसीलिए टी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी गई है, वो 3110 रखी गई है। और इसके बाद एल एन टू, क्योंकि के की वैल्यू जैसा कि आपने अभी देखा था, के वन का जो है वो कितनी वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे 2 आ रही थी, एंड दैट्स वाई जो है ये केस आपके साथ बनेगा। नाउ इसी तरीके से G1 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो आ रहा है -60.28 किलो जूल पर मोल, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर रिएक्शन टू, जो आपके पास रिएक्शन टू एडीपी वाला रिएक्शन है उसके लिए भी निकालेंगे, एंड फॉर दैट वन K2 की वैल्यू उसके लिए भी 2 थी, जो आपने कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट यानी एटीपी अपॉन एडीपी करके, उसी चीज को आप K2 को रखते हुए डेल्टा G2 निकालेंगे। फॉर डेल्टा जी टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के निकालेंगे। अब यहाँ पे 13.5 रखेंगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप आर की वैल्यू 8.314, फिर टी की वैल्यू, फिर एल एन टू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 32.28 आ रहा है प्लस में। तो एक वैल्यू माइनस में आ रही है -60.28, और एक वैल्यू जो है प्लस में आ रही है। अब इन एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज को आपको जोड़ना है, ये जो दोनों वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज को जो आपने डेल्टा G1 और डेल्टा G2 निकाला है, ये एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है, ना कि डेल्टा जी नॉट है। एंड इसी फ्री एनर्जी चेंज को अब क्या करना है, आपको एड ऑन कर देना, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज जो हो जाएगा, ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, ठीक है ना। तो G1 प्लस G2, G1 की वैल्यू -60.28 एंड G2 की वैल्यू जो है 32.28, दोनों को करेंगे तो एक माइनस एक प्लस, ये वैल्यू लगभग -28 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ होंगे, ये वैल्यू माइनस थी और ये वैल्यू जो है -28 के आसपास आ जाएगा, जो इसकी इस रेंज में फॉलो अप करेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिलने के चांसेस भरपूर है, ठीक है। आई एम वीरेंद्र सिंह।